मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 10 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। बाबा आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनके मत पे चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ, तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। क्वेश्चन है, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना? कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय मिलता जो मिस नहीं करना? रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी मिलता है, ये चांस मिस नहीं करना। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है, खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है, मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियां बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहें, कांटों को फूल बनाने की सर्विस ना करें, तो ये भी जैसे बाबा का डिसरिगार्ड है। बाबा का बनकर लौकिक जॉब करती रहें, ईश्वरीय सेवा ना करें, ये भी जैसे बाबा का डिसरिगार्ड है। गीता, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहते हैं, साजन आया सजनियों के लिए। कितनी सजनियां हैं, एक साजन को इतनी सजनियां, वंडर है ना। निराकार परमात्मा पिता भी हैं और सब आत्माओं के साजन भी हैं। एक परमात्मा की, एक परम पवित्र आत्मा की इतनी सारी सजनियां, वंडर है ना। मनुष्य कहते श्री कृष्ण को 16108 सजनियां थी, परंतु नहीं, श्री बाबा कहते मुझे तो करोड़ों सजनियां हैं। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा, सभी सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम लेके जाऊंगा। सजनियां भी समझती हैं हमें फिर से बाबा ले जाने आए हैं। जीवात्मा सजनी ठहरी, दिल में है साजन आया है हमें श्रीमत देकर श्रृंगार कराने के लिए। दिल में है कि साजन आया है हमें श्रीमत देकर श्रृंगार कराने के लिए। मत तो हर एक को देते हैं, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चों को, साधु अपने शिष्य को, परंतु इनकी मत सबसे न्यारी है, इसलिए इनको श्रीमत कहा जाता है। बाबा की मत सबसे न्यारी है, इसलिए इसको श्रीमत कहा जाता। और सब है मनुष्य मत, वे मत देते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए। साधु संतादि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की, सभी एक दो को धनवान बनने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधुओं गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वो भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। मुझे तो अपना शरीर नहीं, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूँ। तुमको भी अपने पेट का ही काम है कि हम महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की, फिर कोई ज्वार की रोटी खाते हैं, कोई अशोका होटल में खाते हैं। साधु लोग धन इकट्ठा कर बड़े मंदिर आदि बनाते। शिव बाबा शरीर निर्वार तो कुछ करते नहीं, तुम्हें सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। बाबा सबको सुखी बनाने के लिए देते हैं, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता, मैं हूँ ही अशरीरी, मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। शिव बाबा तो है निराकार, बाकी सबको पेट की लगी रहती। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी थे, याद में रहते थे, तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता। बाबा तुम बच्चों को युक्ति बताते, तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो? बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम चिरंजीवी रहो अमर रहो। वरदान है चिरंजीवी रहो अमर रहो। सबसे अच्छी मत उनकी है। मनुष्य तो बहुत मत देते हैं, कोई इम्तहान पास कर बैरिस्टर बन जाते हैं,
वह सब है अल्पकाल के लिए, पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। अब बाबा तुम्हें श्रीमत देते हैं, बच्चे श्रीमत पर चल, रूहानी पढ़ाई पढ़ो जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जाए। श्रीमत पर चल कर रूहानी पढ़ाई पढ़ो जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जाए। सबको बाप का परिचय दो, अंडरलाइन करेंगे, बाप का परिचय दो तो बाबा की याद में रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। वो है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा अविनाशी सर्जन, तुम बच्चे रूहानी सर्जन, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती, सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है, ऐसी मत तुमको कोई दे ना सके। अब हम बाप के बच्चे बने हैं तो बाप का धंधा करें या जिस्मानी धंधा करें। बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं, शिव के आगे कहते हैं झोली भर दो। वह समझते हैं 10-20 हज़ार मिल जाएंगे, अगर मिल गए तो बस उन पर बलिहार जाएंगे, बहुत खातरी करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग। अब सबको बाप का परिचय दो, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ, बहुत इजी है। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में बहुत बातें हैं, ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, हम आत्माओं में कैसे 84 का पार्ट भरा है, बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ अल्लाह और बे। किसी को समझाना है ज़्यादा कुछ नहीं समझाओ, बस अल्लाह और बे। अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएगी। अभी पढ़ना है और पढ़ाना है। अल्लाह माना अल्लाह, बे माना बादशाही। सोचो ये धंधा करें या जिस्मानी धंधा कर 200-400 कमाएं। बाबा कहते अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे। परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली की बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते। बाप का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में ध्यान बहुत देना, ये तो डिसरिगार्ड हो गया। बाबा कहते कि अगर कोई जिस्मानी सर्विस में ही ध्यान देता है, ये तो जैसे कि बाबा का डिसरिगार्ड हो गया। रूहानी सर्विस में ध्यान देना है। बाबा कहते मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ। बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे, स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है, अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है, कौन सी सर्विस करें, ईश्वरीय गवर्नमेंट की या उस गवर्नमेंट की। जैसे ये बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इससे तुम ये बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कहा आपको अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इससे तुम ये बनेंगे। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। अब वह विश्व की बादशाही लें या ये करें, सबसे अच्छा धंधा ये है। भले कमाई अच्छी थी परंतु बाबा ने इनमें प्रवेश होकर मत दी कि अल्लाह और बे को याद करो। कितना सहज है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, बे बादशाही, छोटे बच्चे भी ये बातें पढ़ सकते हैं। शिव बाबा हर एक बच्चे को, शिव बाबा तो हर बच्चे को समझ सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं। ये है बाहरयामी, शिव बाबा है अंतर्यामी। कि बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक बार मिलता है, रूहानी सेवा करने का चांस कल्प में एक बार मिलता। अब दिल में आना चाहिए हम मनुष्य को देवता बनाएं या कांटों को कांटा बनाएं। सोचो क्या करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है। क्या करना चाहिए, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी चाहिए या कांटों को कांटा बनाएं? सोचो क्या करना चाहिए। निराकार भगवान उवाच, दे सही दे के सब संबंध तोड़ो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। ब्रह्मा के तन से बाप ब्राह्मणों से बात करते हैं, वह ब्राह्मण लोग भी कहते हैं, ब्राह्मण देवी देवताएं नमा। वह कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए, शिव बाबा को ब्रह्मा बच्चा चाहिए। कुमार का बताओ बाबा को कितने बच्चे हैं, दादी प्रकाशमणि जी से बाबा पूछ रहे हैं। कुमार का आप बताओ बाबा को कितने बच्चे हैं, कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते एक ब्रह्मा। भले तुम त्रिमूर्ति कहते हो परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला,
ब्रह्मा की नाभि से विष्णु तो एक हो गए। विष्णु 84 जन्म लेते हैं व ब्रह्मा, बात तो एक ही है, बाकी रहा शंकर। ऐसे तो नहीं शंकर सो शिव होता है, नहीं, त्रिमूर्ति कहलाया जाता, परंतु राइटियस बच्चे दो हुए। ये सब ज्ञान की बातें हैं, तो बच्चियों को सर्विस के लिए, बच्चियों के लिए ये सर्विस करना बहुत अच्छा है। स्पेशली बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं कि ये सेवा करना बहुत अच्छा है, या मैट्रिक आदि पढ़ना वो अच्छा है, वहाँ तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी, यहाँ तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए मालामाल हो सकते हो। तो क्या करना चाहिए? 21 जन्मों के लिए मालामाल हो सकते हो, क्या करना चाहिए? कन्या तो निर्बंधन है, अदर कन्या से कुंवारी कन्या तीखी जा सकती है क्योंकि पवित्र है। मम्मा भी कुमारी थी ना, पैसे की तो बात ही नहीं, कितनी तीखी गई। तो फॉलो करना चाहिए खास कन्याओं को, कांटों को फूल बनाएं, ईश्वरीय पढ़ाई का चांस लें या उस पढ़ाई का। कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए, माताओं को तो पति आदि याद पड़ता, सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ता है, कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं चाहिए, संग का रंग बहुत लग जाता। कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल ख़त्म। सेंटर से सुनकर बाहर जाते हैं, खेल ख़त्म हो जाता है। ये है मधुबन, यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हम जाकर सेंटर खोलेंगे, बाहर जाके गुम हो जाते हैं। मधुबन में आते हैं तो नशा रहता है, खुशी और उमंग रहता है, बाहर जाते हैं सब भूल जाते हैं। यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते बाहर जाने से नशा गुम हो जाता। माया अपोजिशन बहुत करती है, माया भी कहती है वाह इसने बाबा को पहचाना फिर भी बाबा को याद नहीं करते, तो हम भी गुस्सा मारेंगी। माया देखती है कि बाबा के बनकर भी बाबा को याद नहीं करते तो वो गुस्सा मारती है। ऐसे कहते हैं माया से कहो हमें गुस्सा ना मारो, इसको कहो ये हमें गुस्सा ना मारे। युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरी तरफ है राम की सेना, बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। आसुरी संप्रदाय को ही दैवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे, जब तक वो पढ़कर बड़े हों तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा, आसार भी तुम देख रहे हो। बाबा ने समझाया दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाएं तो लड़ाई हो ना सके, परंतु भावी ऐसी नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आता। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो, यह शिव शक्ति सेना जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान योग सीखकर भारत को हीरे जैसा बनाते हो। शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान योग सीखकर भारत को हीरे जैसा बनाते हो। बाप कल्प के बाद आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तुम सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में हो, सब दुखी हो, फिर राम आकर सबको छुड़ाए अशोक वाटिका स्वर्ग में ले जाते हैं। श्रीमत कहती कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाओ। श्रीमत क्या कहती है? कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा तो राय देते हैं, बाबा कहते अर्जी हमारी मर्जी आपकी। बाबा ने अपनी राय दे दी, चलो ना चलो आपकी मर्जी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार आज की मुरली की मुख्य बातें, सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है, मुख से मीठे बोल बोलने हैं, दे सही दे के सब संबंधों से बुद्धियोग हटा लेना है, संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरी बात, बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है, रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है, रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है, रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है, रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। बहुत ही स्पेशल वरदान बड़ी गुह्यता को लिए हुए मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव।
मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध साधनों के बंधन से मुक्त होना, देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, यही याद सहज योगी सफलता मूर्त बंधन मुक्त बना देती है। तीन विशेष प्राप्तियां होंगी, यही याद सहज योगी सफलता मूर्त बंधन मुक्त बना देती है। स्लोगन है मैं और मेरेपन की अलाई को खत्म करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मातेश्वरी जी के महावाक्य, ये जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं। कहते हैं बच्चे जब भारत पर अति धर्म ग्लानी होती है तब मैं इस समय अपना अंजाम पालन करने वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ, सब युगों में कोई धर्म ग्लानी नहीं होती, धर्म ग्लानी होती कलयुग में। तो परमात्मा कलयुग के अंत समय पर आता है और कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग फिर कल्प कल्प आता, जरूर वह कल्प कल्प आता है। कल्प में चार युग हैं उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुणी सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं। द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्म की शुरुआत है, उस समय भी अति धर्म ग्लानी नहीं है। इससे सिद्ध है परमात्मा तीनों युगों में आता ही नहीं, बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानी होती है। उसी समय परमात्मा आकर अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता तो द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की, अब ये तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते मैं एक हूँ, एक ही बार आकर अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना कराता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।